नमस्कार, ये है सेलो आइटम इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स। थोड़ा सा हैवी है तो मजबूत होगा। फिर देखते हैं इसे अनबॉक्स करके एक्चुअल में कैसा है। आज अपने पैसा वसूल हिंदी चैनल पर सब कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, इसलिए वीडियो पूरा देखें। टिफिन के कोई भी बॉक्स पर ऐसी ही सुंदर फोटो दिखाते हैं, है ना। यह थोड़ा ज्ञान दिया है टिफिन के बारे में। प्लग इन, BPA फ्री, फूड ग्रेड, लीक रेजिस्टेंट इनर लीड, इपॉक्सी कोटेड हीटिंग बेस। बाकी जो लिखा है इसका मतलब ये निकलता है कि बहुत थोड़ा पैसा खर्च करके थोड़ा गम खाने का मजा हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमें पावर कॉर्ड की फोटो दिखाई है कि कैसे मिलने वाली है। ये बात अच्छी है कि ऑन ऑफ इंडिकेटर टिफिन पर मौजूद है, पर सबसे अच्छी बात यह कि हमें एक साल की वारंटी मिल रही है। बिना देरी किए करते हैं बॉक्स ओपन। ये निकली ग्रे कलर की हमारी नौका, थोड़ा सा हैवी है। टॉप पर बीचों बीच सेलो की ब्रांडिंग है। प्लास्टिक की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी लग रही है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक वायर प्लग करने वाले हैं। लंच बॉक्स इस्तेमाल से पहले जो जानना जरूरी है वो यहाँ है। पानी में ये डुबाना नहीं है। गम भोजन पाने के लिए कम से कम 45 मिनट ये प्लग इन करना पड़ेगा। ये इसका पावर इंडिकेटर। पावर सप्लाई चालू करने के बाद लाइट दिखेगी। चलो, अभी तक बहुत ज्ञान पा लिया सेलो इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स का, अब इसे खोलते हैं। दोनों साइड पे क्लिप लॉक है, अच्छा टाइट है, फिर भी एक हाथ से भी खोल सकते हैं। ये प्लास्टिक का थोड़ा सा पतला कवर है, साइड में रखते हैं इसे। प्लास्टिक ढक्कन के साथ दो डिब्बे दिख रहे हैं और ये डिब्बे कैसे रखने हैं ये भी बताया है। ज़्यादातर ब्रांडेड कंपनी की खासियत रहती है, छोटी छोटी बातों का इंस्ट्रक्शन देती है, पर हम पढ़ते नहीं है, ये बात अलग है। ठीक ठाक क्वालिटी का प्लास्टिक लीड है। लीड को अंदर से रबर रिंग है जो टिफिन को एयरटाइट बनाती है। स्टील के इस डिब्बे का साइज सफिशियंट है। फिनिशिंग भी अच्छी है, सेलो का नाम भी है, फिर भी स्टील थोड़ा पतला है। एक बात याद रखना, हमें कंपनी ने एक साल की वारंटी दी है, तो ये डिब्बा क्रैक होता है, फट जाता है तो चेंज करके मिल सकता है। प्लास्टिक ढक्कन पर कंपनी ने नाम तो अच्छी तरह एम्बॉस किया है। भरे हुए डिब्बे का ये एयरटाइट ढक्कन खोलना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा ही आसान। अंगूठी से ढक्कन के बीचों बीच प्रेस करना है और साइड का फ्लैप पकड़ कर ऊपर उठाना है, कुछ नहीं गिरेगा ढक्कन का। लेकिन पैसा देना पड़ता है, अगर गुम हो गया तो, और टूटने वाला तो नहीं है। ये इस लंच बॉक्स का निचला हिस्सा है। इपॉक्सी कोटेड हीटिंग बेस है। इसमें बाहर निकलने वाली कोई हीटिंग कॉइल या प्लेट नहीं है, इस कारण इस्तेमाल में आसान और सुरक्षित है। इस बॉक्स में एक सफेद बॉक्स दिख रहा है अंदर। क्या है इसमें? प्लास्टिक के अच्छे केस में पावर सप्लाई वायर दिए है। क्वालिटी है इसकी अच्छी। लंबाई 1 मीटर है, करीबन 3.5 फीट। सब मिलाकर सेलो इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। अब इसका प्रैक्टिकल अनुभव देखना जरूरी है, तो चलो देर किस बात की। प्रैक्टिकल के लिए हम सबसे आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे। दोनों डिब्बों में हम थोड़ा पानी भर देते हैं। इसका टेम्परेचर देखें तो वो है 29.7 डिग्री सेल्सियस। टिफिन बंद करके इसे पावर सप्लाई से जोड़ते हैं। वायर तो है हमारे पास, प्लग में पिन करके बटन ऑन करना है। इसके विरुद्ध दिशा में पावर इंडिकेटर है, ये अभी ब्लिंक कर रहा है। ऐसे चालू स्थिति में हम इसे छोड़ देते हैं 45 मिनटों के लिए। 45 मिनट बाद अभी हम चेक करते हैं। अभी ये 37.9 टेम्परेचर दिखा रहा है। टिफिन ओपन करने से पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करना बेहद जरूरी है। इसे ऑटोमेटिक कट ऑफ सिस्टम नहीं है। अंदर का टेम्परेचर है 41 डिग्री। ऐसा लग रहा है कि पानी अंदर उभर रहा था। डिब्बा बाहर से भी गर्म है, पानी तो काफी गर्म हो गया है। इसका टेम्परेचर देखना जरूरी है। 54 डिग्री दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है 53। पानी की मात्रा कम ज्यादा होने के कारण हो सकता है। रूम टेम्परेचर से काफी ज्यादा टेम्परेचर हमें मिला है। इसका ये मतलब निकलता है कि सेलो का ये इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स हमें गर्म खाना खिला सकता है। गर्म खाना तो खा लिया, लेकिन ये टिफिन अब धोने का कैसे? स्टील के डिब्बे तो बाकी स्टील की बर्तनों की तरह साफ होंगे। लंच बॉक्स का ऊपरी कवर और डिब्बों के लीड हल्के हाथ से स्क्रबर का इस्तेमाल किए बगैर साफ करने पड़ेंगे, नहीं तो साबुन के पानी में आधा एक घंटा भिगो कर रखेंगे तो भी एकदम चकाचक होंगे। मेन तो ये है, ये तो पानी में डुबाना नहीं है, साबुन के पानी में भिगोया हुआ कपड़ा लेकर इसे अच्छी तरह पोंछना है और इसके बाद तुरंत साफ और सूखे कपड़े से इसे ड्राई करना है। हफ्ते में एक बार इतनी मेहनत इस लंच बॉक्स को कभी भी नए जैसा चमकाएगी। इस वीडियो में हमने सेलो आइटम इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स के बारे में करीबन सभी बातें जान ली है। सिर्फ कीमत बाकी है और वो थोड़ी ज्यादा ही है।
969 800 से 900 के बीच मिल जाएगा। और ऐसे ही कुछ अलग अलग चीज़ों का ज्ञान आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए अपने पैसा वसूल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद।